हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम में इस चैनल पर हम डिफरेंट डिफरेंट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं तो ये सब जो एम सी क्यूज है सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो अभी अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन्स आप लोगों को मिलते रहें तो अभी जी पैट की नोटिफिकेशन्स भी आ गई है उसके फॉर्म भी निकल गए हैं ठीक है थीके? तो अभी तो बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है तो स्टार्ट करते हैं हम ये फार्मा क्विज है तो इसमें देखते हैं वैसे हंड्रेड क्वेश्चन को ले चलते हैं देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें न, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से तो क्वेश्चन नंबर वन है फार्मेसी एक्ट कंटेन तो ऑप्शन है फाइव चैप्टर्स फिफ्टी सिक्स सेक्शन फाइव चैप्टर फोर्टी सिक्स सेक्शन फोर चैप्टर फोर्टी सिक्स सेक्शन या फोर चैप्टर फिफ्टी सिक्स सेक्शन्स तो फार्मेसी एक्ट जो होता है इसमें क्या होता है फ़ाइव चैप्टर्स होते हैं फोर्टी सिक्स सेक्शन्स होते हैं ठीक है थीके? तो आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं क्यों करूँगी क्योंकि मेरा इसमें हंड्रेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं मुझे तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही देख पाएंगे आज ओके Uh, इनको मैं एक्सप्लेन फिर से uh, किसी नेक्स्ट वीडियो में बना के फिर कर दूंगी फार्मेसी एक्ट कंटेन फाइव चैप्टर्स एंड फोर्टी सिक्स सेक्शंस तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पी सी आई ऑप्शन है एजुकेशन रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर अप्रूवल एंड विड्रॉल ऑफ इंस्टीट्यूट्स तो जो नोट uh, बताना है पी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है तो ये एजुकेशन रेगुलेशन भी होता है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ये भी होता है और ये डी भी होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर ये पीसीआई का फंक्शन नहीं होता बाकी के तीनों होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बीइंग ए फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट शुड बी ऑप्शन है डी फॉर्म बी फॉर्म रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या एम फार्मा तो ये जो फार्मासिस्ट को क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट मस्ट बी पासड आउट फ्रॉम विच शुड बी अप्रूव्ड बाय ठीक है क्या कह रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट मस्ट बी पास आउट फ्रॉम कॉलेज विच शुड बी अप्रूव्ड बाय ऑप्शंस है ए आई सी टी ई पी सी आई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यू जी सी ठीक है तो ये आएगा पीसीआई ठीक है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पीसीआई से अप्रूव होना चाहिए नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स वाज पासडिन ऑप्शनस हैं नाइनटीन एंड नाइनटीन फोटी फोर्टी एंड नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन फोटी एंड नाइनटीन फोटी नाइनटीन फोर्टी एट एंड नाइनटीन फिफ्टी नाइन तो पता होनी चाहिए एक्ट कब आया और रूल कब आया देखो इसमें दो क्वेश्चन ऑप्शन से कंफ्यूजिंग है तो पहले उसका एक्ट था बाद में रूल्स आए थे नाइनटीन फोटी एंड नाइनटीन फोटी फाइव ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल तो जो डी एन सी एक्ट है इसके कितने पार्ट्स हैं ऑप्शन हैं फाइव टू ट्वेंटी सिक्स एटीन तो कितने हैं एटीन पार्ट्स हैं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका डी एन सी एक्ट का ऑप्शन हैं टू प्रिवेंट मिस ब्रैंडेड ड्रग टू प्रिवेंट अडल्ट्रेटेड ड्रग टू prevent spurious ड्रग ऑल ऑफ द above तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है शेड्यूल एम एंड वाई आर एडिड इन ऑप्शन हैं नाइनटीन 1982 फाइव नाइनटीन ऐटी टू नाइनटीन ऐटी एट टू थाउजेंड सेवन तो शेड्यूल एम और वाई को कब ऐड किया गया था ये नाइनटीन एट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाइनटीन एट नेक्स्ट है ड्रग एक्जाम्पटेड फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू विच शेड्यूल ऑप्शंस हैं शेड्यूल बी शेड्यूल डी शेड्यूल के शेड्यूल एन तो ये मैन्युफैक्चरिंग का किस में आ जाएगा शेड्यूल के में आ जाएगा ठीक है ड्रग एक्जाम्पटेड फ्रॉम प्रोविज़न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो ये शेड्यूल के आ जाएगा और अगर यहाँ होता प्रोविज़न प्रो ऑफ इम्पोर्ट होता ठीक है मैनुफेक्चरिंग की जगह क्या होता है इम्पोर्ट होता तो हमारा शेड्यूल डी आता नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजेंट इज एज पर शेड्यूल ऑप्शन हैं एफ वन पार्ट टू एफ पार्ट फोर एफ वन पार्ट वन एफ वन पार्ट थ्री तो डायग्नोस्टिक एजेंट्स के स्टैंडर्ड होते हैं एफ वन के पार्ट थ्री में तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लाइसेंस ऑफ ड्रग्स एग्जाम्पेड इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज अप्लाइड इन ठीक है तो अप्लाइड इन फॉर्म नंबर ठीक है फॉर लाइसेंस ऑफ ड्रग इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज ठीक है पर्सनल यूज के लिए जो इंपोर्ट करनी तो ड्रग तो उसके लिए वो अप्लाई करते हैं कौन से फॉर्म में तो इसके ऑप्शन है इलेवन ए इलेवन बी ट्वेल्व ए या ये ट्वेल्व बी था ठीक है ये गलती से लिखा गया यहाँ पर ट्वेल्व बी था ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ट्वेल्व ए हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इफ ए ड्रग हैव कलर्ड विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज़ कोल्ड तो मिस ब्रांडेड अल्ट्रेटेड स्पोरिया से डिकम्पोज ठीक है तो अगर क्या है कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड तो कौन सी ड्रग होती है ये मिस ये होती है मिस ब्रांडेड ड्रग में ठीक है मिस ब्रांडेड ड्रग में तीन बातें याद रखनी है एक तो कलर्ड विच विच इज़ नॉट प्रिसक्राइब्ड एक होता है नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ठीक है नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और एक होता है फॉल्स और मिस रीडिंग स्टेटमेंट फॉल्स और मिस रीडिंग स्टेटमेंट तीन बातें याद रखने मिस ब्रांडेड के लिए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इन डी टैब एक्स ऑफिशियल मेम्बर्स आर ऑप्शन है थ्री फाइव एट एटीन तो डी टैब में एक्स ऑफिशियल मेम्बर्स कितने होते हैं तो एट होते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है, है निमेसुलाइड और सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रन आर बैंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ ठीक है किसकी रिकमेंडेशन से बैन करते हैं ऑप्शन हैं डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी टैब तो ये हो जाएगा डी टैब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड नेक्स्ट है टैल्क इज़ यूज इन टेबलेट डोजेस फॉर्म एज ऑप्शन है ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट ओपेक्ट प्लास्टिसाइजर तो टैल्क जो होता है क्या होता है ग्लाइडेंट होता है ठीक है फाइव परसेंट कंसनट्रेशन में इसको यूज करते हैं एज अ ग्लाइडेंट तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है पोटेंसी ऑफ ए ड्रग इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन है बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट ऑफ ए ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग डोज ऑफ ए ड्रग तो पोटेंसी का मतलब होता है कि कितनी डोज चाहिए होती है ड्रग की ठीक है तो इसका कौन सा हो जाएगा ये डोज ऑफ ए ड्रग हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस इफेक्ट इज नोन एज तो इसके ऑप्शन हैं टोलर एंस इन टोलरेंस इडियोसिनक्रेसी तो ये होता है टोलरेंस होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग ऑप्शन टेट्रा टेट्रासाइक्लिन स्टिप्टोमाइसिन क्लोरम फेनिकोल तो प्लेग के लिए होता है टेट्रा होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एचएलबी वैल्यू ऑफ वैटिंग एजेंट इज सिक्सटी टू एटीन वन टू थ्री सेवन टू नाइन थर्टीन टू सिक्सटीन तो वेटिंग एजेंट्स की होते सेवन टू नाइन होती है ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है पी एच ऑफ लेक्रीमल फ्लूड इज ऑप्शन है सिक्स सेवन पॉइंट टू एट या टेन तो लैक्रीमल फ्लूड का अप्रोक्सीमेटली फाइव सेवन पॉइंट फोर आता है ठीक है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा सेवन पॉइंट टू नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इन टू ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज तो इसे क्या बोलते हैं क्रीमिंग बोलते हैं फेज इन इन्वर्जन ब्रीकिंग या ओपेलिसेंस तो इसको बोलते हैं फेज इन्वर्सन ठीक है वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो जाता है किसमें ऑयल इन वाटर में और ऐसे उल्टा भी हो सकता है तो इसको बोलते हैं फेज इन्वर्जन बोलते हैं नेक्स्ट है स्टेटमेंट स्टोर इन ए कोल्ड प्लेस एज पर आई पी मीन्स स्टोर एट ऑप्शनस हैं रूम टेम्परेचर बिटवीन टू टू एट डिग्री सेल्सियस बिटवीन एट टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो ये ध्यान से पढ़ना है इसमें क्या पूछा है कोल्ड पूछा है ठीक है एक होता है कूल cool, एक होता है कोल्ड कोल्ड के लिए होएगा दो से आठ इसका तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा टू टू तो एट डिग्री सेल्सियस ठीक है और अगर कूल होता तो क्या होता एट टू थर्टी एट टू तो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस हो जाता नेक्स्ट है क्वालिसेंस इन इमल्शन इज आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शंस है नॉन यूनिफॉर्म साइज डिस्पर्स ग्लोब्यूल एग्रीगेशन डिस्पर्सड ग्लोब्यूल फ्यूज़न ऑफ डिस्पर्सड ग्लोब्यूल्स और फ्लोटिंग ऑफ डिस्पर्सड ग्लोब्यूल्स तो इसमें क्वाल में क्या होता है एग्रीगेशन हो जाता है ठीक है जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाता है क्वलसेंस में ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फ्राम विच ऑफ द गिवन डोजेज फॉर्म ड्रग इज़ मोस्ट बायो अवेलेबल ठीक है कौन सी से डोजिज फॉर्म से सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल होती है ड्रग्स तो ऑप्शन है सस्पेंशन कंट्रोल रिलीज सोल्यूशन टेबलेट तो ये होती है सोल्यूशन से ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कैप लोकिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन है सस्पेंशन सस्टेनडिली सिरप इमर्शन तो कैप लोकिंग किस में होता है ये सिरप्स के केस में होता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिज टू ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक लीवर सिस्टमिक सर्कुलेशन तो ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फॉर अ ड्रग टू बी अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बशन फ्रॉम टेबलेट डोजेस फॉम इट मस्ट फर्स्ट अंडरगो गो ऑप्शन है डिजोल्यूशन इन जी आई टी फ्लूड डिस इंटीग्रेशन इन जी आई टी इन जी आई टी फ्लूड एंड नफ़ द अबव तो ये हो जाएगा डिजोल्यूशन right हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है द एरिया अंडर द कर्व जो ए यू सी होता है एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द क्या रिप्रेजेंट करता है टी हाफ ऑफ द ड्रग वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब या अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन वंस तो ये क्या जो ए यू सी होते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम ए टेबलेट डोजेस फॉर्म इज इन द फॉलोइंग ठीक है तो ये टेबलेट डोजेस फॉर्म से रेट ऑफ डिसोल्यूशन दिया हुआ है ड्रग्स का ठीक है तो सारे दिए हुए अनकोटेड एंटेरिक कोटेड फिल्म कोटेड और शुगर कोटिंग ठीक है तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा सही है इन चारों ऑप्शन में से तो रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम ए टेबलेट डोजेस फॉर्म तो ये हमें बताना है कौन सा सही होगा तो ये पहले में अनकोटेड फिर नॉन एंटेरिक फिल्म कोटेड शुगर कोटेड या एंटेरिक कोटेड तो देखो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं तो सबसे लास्ट में तो एंटायरिक कोटेड ही आएगा ठीक है क्योंकि एंटेरिक कोटेड होती है वो उसमें ही सबसे लास्ट में डिसोल्यूशन होगा तो इनमें से देखो चारों ऑप्शन में बस हमें सबसे देखना एंटेरिक कोटेड कहाँ पर लास्ट में तो पहले ऑप्शन में ही कोटेड को लास्ट में दिया हुआ है ठीक है ये पहले पर तो हो नहीं सकती सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है तो इसमें भी जो अनकोटेड से पहले अनटेरिक कोटेड दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा और इसमें अनकोटेड को लास्ट में दिया हुआ है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा तो इसमें आंसर क्या होगा पहले अनकोटेड फिर उसके बाद नॉन एंटेरिक फिल्म कोटेड फिर होगा शुगर कोटेड फिर होगा एंटेरिक कोटेड ठीक है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एडियोसिनक्रेसी एसोसिएटेड टू ऑप्शन हैं ओवर डोज जेनेटिक चेंज थपटिक डोज इम्यूनोलॉजिकल चेंज तो एडियोसिनक्रेटी एसोसिएटेड टू जेनेटिक चेंज ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर स्टडीड इन ऑप्शनस है फार्माकोविजिलेंस विजिलेंस फॉरेंसिक फार्मेसी फार्माकोकाइनेटिक फार्मास्यूटिक्स तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस स्टडीड होती है किसमें फार्माकोविजिलेंस में इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एंजियोग्राफी ऑप्शनस है सबक्यूटेनियस इंट्रावीनस आर्टीरियल सप्लाई इंट्रामस्कुलर तो एंजियोग्राफी में होता है या आर्टीरियल सप्लाई होता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है हिपेटाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय रूट तो इसका कौन सा रूट होता है इंट्रामस्कुलर सबकुटेनियस इंट्रावीनस इंट्रा आर्टीरियल तो ये होता है एस सी सबकुटेनियस रूट होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच वन ड्रग आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छा जो कोट्राइमोक्साजोल होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है ऑप्शनस हैं सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रीम सल्फा डायाजीन एंड ट्राइमिथोप्रीम डेप्सोन एंड पायरेमिथामिन सल्फाडोक्सिन एंड पायरेमिथामिन तो इसका आंसर क्या होगा अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था क्वेश्चन ये होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड प्राइमिथोप्रीम होता है ठीक है इसके अंदर ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है सल्फामिथोक्साजोल तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा अच्छे से सा एक्सप्लेन किया हुआ है तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये सल्फाडोक्सिन और पैरिमिथाम जो ये जो एंटी आं, मलेरियल मलेरिया में यूज़ करते हैं क्लोरोक्विन रजिस्टेंट जो फैल्सीपैरम होता है ना उसके अंदर ये यूज़ करते हैं क्लोरोक्विन रजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम के लिए सल्फाटोक्सिन ये यूज़ करते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है विच वन ड्रग इज़ नॉट बैक्टेरियासाइडल तो कौन सा है जो बैक्टेरियासाइडल नहीं है ऑप्शनस हैं स्टिप्टोमाइसिन रिफाम्पिसिन कोट्राइमोक्साजोल डॉक्सीसाइक्लिन तो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन तो नॉट बैक्टेरियासाइडल तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है ये बैक्टेरियासाइडल होती हैं रिफाम्पिसिन भी है कोटराज भी है तो डोक्सीकली हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है ये क्या है इस टाइप की डेट्रा साइक्न है डेट्रा साइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है डोर्स ट्रीटमेंट अपलिकेबल फॉर द डिजीज ऑप्शन है कोलेरा एंड डायरिया मलेरिया एंड अमीबियासिस ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसिस चिकन पॉक्स एंड एड्स तो ये डोट्स ट्रीटमेंट होता है किसके लिए तो टूबर क्लोसिस एंड लेप्रोसी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच वन ड्रग इज़ यूज प्राइमरीली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू ऑप्शनस हैं ओसल्टावीर नेविरापिन क्लोरोक्विन फ्लू कोनाजोल ठीक है तो स्वाइन फ्लू के लिए एंटी मलेरियल कोई ड्रग यूज़ करेंगे ठीक है तो क्लोरोक्विन ये नहीं होगा तो इसका होगा ये ओसल्टावीर है ठीक है ऑप्शन ए या राइट हो जाएगा ओसल्टावीर नेक्स्ट है ड्रग दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड टू वायरस ऑप्शंस हैं एंसीफेल कैंक्रोइड हेपेटाइटिस डेंगू ठीक है Cancroyd, तो इसका कौन सा होगा ड्रग दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस तो ये हो जाएगा कैंक्रोयड हो जाएगा ठीक है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट है स्टिप्टोमाइसिन इनिबिट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू फिफ्टी एस राइबोसोम यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू थर्टी एस राइबोसोम यूनिट इनिबिट डी डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए इनिबिट डी एन ए गायरेज तो स्टिप्टोमाइसिन इनिबिट करती है ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है तो ये क्या करती है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट right हो जाएगा इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू थर्टी एस राइबोसोम सब यूनिट ठीक है नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग ऑप्शन हैं ये अभी क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया तो मैंने बता दिया इसका प्लेग के लिए टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है बैक्टीरियो फेजिस इज ऑप्शनस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया दैट इन इनगल्फ वायरस या फंगल हाइफी तो बैक्टीरियो फेजिस क्या होते हैं वायरस होते हैं ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट है बैक्टीरियल रजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय ऑप्शंस है म्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन ऑल ऑफ द अबाव तो बैक्टीरियल रजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय तो इन तीनों से ही होता है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट है एंटीबायोटिक यूज इन मलेरिया एंड अमीबियासिस ऑप्शंस हैं क्लो क्लोरमफेनिकोल स्टिप्टोमाइसिन क्लोरोक्विन तो मलेरिया और अमीबियासिस में कौन सी डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम एसोसिएटेड टू ट्यूबरकोलोसिस तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने ट्यूबरकोलोसिस so, के लिए कौन सा ये प्रोग्राम है ऑप्शंस हैं आर एन टी सी पी एन एल ई पी आर एच एस डी पी या आर एल टी सी पी ठीक है तो ये ट्यूबर क्लोसिस के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा ये आर एन टी सी पी होता है ठीक है तो ये होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ठीक है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट बसपिरोन इज मेनली यूज एज ऑप्शनस हैं एंटी एनजाइटी एंटी साइकेट्रिक एंटी साइकोटिक एंटी मैनिक एंटी डिप्रेसेंट तो बसपिरोन जिस बस्पिरन जीपीरोन इस्पापिर ठीक है इसको अपन बिग से भी याद रखते हैं ना बस्पिररोन जीपिरोन इस्पापिर किस में आती है एंटी एनजाइटी ड्रग में होती है ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट रिसेप्टर्स आर ऑप्शन है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन ग्लाइकोसाइड्स तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं नेक्स्ट है अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज़ इफेक्टेड बाय ऑप्शन अल्कोहल क्लोरोक्विन एंटासिड या लिथियम तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का एबजॉर्प्शन इफेक्टेड होता है किससे एंटासिड से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है लिथियम इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन हैं जॉन्डिस लैक्टेशन डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो लिथियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किस में लैक्टेशन में ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ड्रग ऑफ थेरापूटिक बेनिफिट इन साइजोफ्रेनिया इज ऑप्शन है एमीप्रामिन डोक्सीपिन फ्लूफिनाजिन या लीथियम तो इसमें साइजोफ्रेनिया में क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लूफिनाजिन ठीक है ये यूज़ करते हैं नेक्स्ट है डायलिसिस इज यूजफुल इन पॉइजनिंग विद ऑल ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल बार्बीचूरेट्स कॉपर सल्फेट तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कॉपर सल्फेट नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलैप्टिकस इन इज़ डायजिपाम सेलिसलिक एसिड फेनीटोइन कार्बामाजिपिन तो ये इसका हो जाएगा डायजिपाम हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कोस्टिनिटस इन हाई डोज हाई डोज में तीन टस कोर्स करते हैं कौन सी ड्रग आईबीप्रोफन मिफनमिक एसिड एस्परिन या इंडोमिथासिन तो ये हो जाएगा एस्परिन जो होती है ना वो ये कोर्स करती है एस्प्रिन हो जाएगा इसका नेक्स्ट है द टम टर्म सोपोरिफिक इज सिनोनिमस विद ऑप्शन है हिपनोटिक एफ्रोडिसिया साइकोटोमिमेटिक तो ये जो ये सोपोरिफिक जो है इसका मतलब क्या होता है टेंडेंसी ऑफ अ ड्रग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप ठीक है टेंडेंसी टू इंड्यूस स्लीप ये होता है इसका मतलब सोपोरिफिक तो ये किसका सिनोनिम हो गया हिपनोटिक्स का सिनोनिम हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा इसका नेक्स्ट है ब्रोमोक्रिप्टिन इज नॉट यूज इन ऑप्शंस है सो शोक सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन पार्किसोनिज्म प्रोलेक्टीन नो यूरिया तो ये हो जाएगा शोक में इसको यूज़ नहीं करते ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है डोपामिनर्जी एगोनिस्ट होता है तो बाकी में इसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोरेक्टिक एजेंट ऑप्शनस है डोब्यूटामिन मिथोक्सामिन फेनफ्लूरामिन मिफेंटरमीन तो एनोरेक्टिक एजेंट में आता है फैनफ्लूरामामिन आता है ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड वन ऑप्शनस है एटिनोलोल पिंडोलोल मिटोप्रोलोल एसब्यूटोलोल तो मतलब ओड है मतलब इसमें से डिफरेंट कौन सा है तो ये पिंडोलोल हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ठीक है जो एटिनोलोल मिटोप्रोलोलोलोलोलोल एसब्यूटोलोल ये तो बीटा वन ब्लॉकर होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं लेकिन पिंडोलोल है ये नॉन सेलेक्टिव होता है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ऑप्शन है रैनिटेडीन फेमोटिडिन ओमिप्राजोल पैरेंजिपिन तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा ओमिप्राजोल ठीक है ये क्या होता है प्रोटोन पम्प इनिबीटर होता है नेक्स्ट है कॉटन वूल इज जनरली यूज टू अप्लाई ऑप्शन है इंसफलेशन लोशन लिनिमेंट नन ऑफ द अब तो कॉटन वूल को यूज़ करते हैं लोशंस के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है लेविगेशन इज जनरली डन वैन मटीरियल हैव मॉइस्चर कंटेन ऑप्शन है लेस देन फिफ्टी परसेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट लेस देन फ़ाइव परसेंट फाइव टू ट्वेंटी परसेंट तो ये हो जाएगा मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फॉर मैक्सिमम साइज रिडक्शन द स्पीड ऑफ द बोल मिल शुड बी ऑप्शनस हैं 50 टू 60 परसेंट सिक्सटी टू एटी फाइव परसेंट थर्टी टू 50 परसेंट हंड्रेड परसेंट तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 60 टू 85 परसेंट नेक्स्ट डिस इंटीग्रेटर वर्क ऑन ऑप्शनस हैं कटिंग इम्पैक्ट एट्रिशन बोथ बी एंड सी तो डिस में क्या होता है ये इम्पैक्ट होता है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट नेक्स्ट है एनर्जी यूज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड इज गिवन बाय ठीक है तो ये किक्स uh, ला है रिटिंगर ला बोंडला नन ऑफ द अबाव तो ये किस में होता है रिटिंगर लो में होता है ठीक है ये साइज रिडक्शन के लोज होते हैं तीनों के तीनों हैं इनको हम के बी आर से भी याद कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले तो इन तीनों लो के नाम पूछे हुए थे लास्ट में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ था तो ये सारे लो हैं तो इसमें जो ये है ना एनर्जी यूज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड ये होता है रिटिंगर लो में तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है फाइब्रस ड्रग्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कटर मिल हैमर मिल बॉल मिल फ्लूड एनर्जी मिल तो ये हो जाएगा कटर मिल हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन पाउडर ऑप्शन हैं ये आपके सामने है ट्वेंटी बाई सिक्सटी टेन बाई फोर्टी फोर फोर्टी फोर बाई एटी फाइव एटी फाइव बाई वन टवेंटी ठीक है तो ये होता है कोर्स होता है फिर मॉडरेटली कोर्स होता है मॉडरेटली फ़ाइन फ़ाइन वेरी फाइन तो ये फ़ाइन का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एटी फाइव बाई वन टवेंटी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा ये कोर्स का हो जाएगा टेन वाला हो जाएगा कोर्स का ठीक है फिर ये हो जाएगा मॉडरेटली कोर्स का हो जाएगा फिर ये कोर्स मॉडरेटली कोर्स मॉडरेटली फ़ाइन फिर ये फ़ाइन का हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है जनरली फ़िल्टर एड इज़ मिक्सड इन स्लरी ऑप्शन है अपू पॉइंट फाइव परसेंट वन टू फाइव परसेंट अपू परसेंट पॉइंट वन परसेंट तो ये हो जाएगा अपू पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स इन मेटा फिल्टर इज ऑप्शनस है वन एम एम टू एम एम थ्री एम एम फोर एम एम तो ये हो जाएगा टू एम एम ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एसिटेट पोलियामाइड टेंडोन्स पीवीसी तो किसके बने होते हैं सेलुलोज एसीटेट के ठीक है और सेलुलोज नाइट्रेट भी होता है नेक्स्ट है एंटीबायोटिक यूज इन मलेरिया एनामीबियासिस तो ये फिर से रिपीट हो गया तो इसका क्या बताया था मैंने डॉक्सीसाइक्लिन बताया था ऑप्शन ए नेक्स्ट है सैंपल ऑफ पोलियो वैक्सीन इज सेंट टू इजत नगर कोलकाता गाज़ियाबाद कनूर ठीक है -O -O ये कनूर है सी ओ एन डबल ओ आर ठीक है ये कनूर है ये तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट um, uh, uh, है फॉर पार्टिकल विच हैव साइज बिलो वन माइक वन माइक्रोन विच मेथड इज़ जनरली यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन ठीक है ये वन माइक्रोन है ठीक है वन माइक्रोन तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीविंग माइक्रोस्कोपी सेडिमेंटेशन या कोल्टर कन्वर्टर तो इसका क्या हो जाएगा माइक्रोस्कोपी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोस्कोपी नेक्स्ट है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑरेंज पील जनरली ड्रग इसके मैंस्ट्रम फोर ऑप्शन है टू टू सेवन डेज सेवन डेज फोर्टीन डेज या ट्वेंटी वन डेज तो इसका हो जाएगा ये सेवन डेज हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ पैराबेन एडिड इन सीराप एज तो ये पैराबेन्स क्या होते हैं ऑप्शन है सोल्यूबलाइजर बफर प्रिजर्वेटिव सस्पेंडिंग एजेंट तो मिथाइल पैराबेन और प्रोफाइल पैराबेन यूज़ करते हैं क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव होते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट एंटेरिकोटिड टेबलेट मीट मीट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन ऑप्शन हैं स्टमक माउथ इंटस्टाइन नन ऑफ द तो ये कोटेड टेबलेट डिसंटीग्रेट होते हैं कहाँ पर इंटस्टाइन में होती है नेक्स्ट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है डायलुएंट इज एडेड इन टेबलेट फॉर्मुलेशन ऑप्शनस हैं इंक्रीज स्टेबिलिटी बाइंडर इंक्रीज बल्क डिसंटीग्रेटिंग एजेंट तो ये डायलुएंट ऐड करते हैं कि क्या करते हैं बल्क को इंक्रीज करते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा इंक्रीज बल्क नेक्स्ट है क्रीमिंग ऑफ इमल्शन में अकर ऑप्शन है अपवर्ड डाउनवर्ड सस्पेंडेड बोथ वेज तो क्रीमिंग जो होती है दोनों वेज से हो सकती है ठीक है ये डिपेंड करता है इमल्शन का टाइप कौन सा है ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है ठीक है तो इसका बोथ वेज हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शंस है सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस इंट्रानेजल तो पेरेंट्रल कौन सा नहीं है इसमें से तो ये इंट्रानेजल नहीं है ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट इसका नेक्स्ट है पायरोजन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ऑप्शन है पाउडर टेबलेट कैप्सूल इंजेक्टेबल्स तो पायरोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं किस पर इंजेक्टेबल्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ड्राई गम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन इज नॉन एज ऑप्शन है फोर टू वन मेथड वन टू फोर मेथड थ्री 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 मैथड या टू फोर वन मैथड तो इसको बोलते हैं फोर टू वन मैथड बोलते हैं ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टेडाइल वाटर फॉर इंजेक्शन एज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑप्शन हैं पायरोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंटी ऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव तो इसका हो जाएगा ये फ्री होता है किससे पायरोजन से नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्शंस हैं इसके लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक या मसल्स तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है हार्टमैन सॉल्यूशन सोल्यूशन इज ऑप्शन है डेक्सट्रोज सोल्यूशन एंड सलाइन सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन नेक्स्ट तुलसी बिलोंग टू तु फैमिली ऑप्शन है एपोसाइनेसी लेबियटी निटेसी लिलियेसी तुलसी की फैमिली कौन सी होती है लेबियटी ठीक है ओसिमम सैंक्टम ਔਰ ਲੈਬੀਰਿੰਥ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਕਸਟ ਇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਅ ਆਰਐਨਏ ਜੀਨੋਮਿਕ ਵਾਇਰਸ ਡੀਐਨਏ ਜੀਨੋਮਿਕ ਵਾਇਰਸ ਬੋਥ ਆਰ ਐਨਏ ਡੀਐਨਏ ਵਾਇਰਸ ਯਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀ नन ऑफ दउाउथ तो ये होता है आर एन ए जिनोमिक वायरस ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ ऑफ हार्ट इज एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन इज ऑप्शन हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज कंजैनिटल हार्ट डिजीज़ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर अथिरोस तो ये हो जाएगा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एंटी एंटीडायोटिक हॉर्मोन इज ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन गैस्ट्रीन नन तो इसका हो जाएगा वैसोप्रेसिन है ये एंटी डायोटिक हॉर्मोन है ये नोनापैप्टाइड होता है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफॉइड फ़ीवर ऑप्शन है वन टू टू डेज थ्री टू फाइव डेज सेवन टू टेन डेज टेन टू फिफ्टीन डेज़ टाइफॉयड फ़ीवर का कितना होता है ये टेन टू फिफ्टीन डेज़ हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इन एनाफाइलैक्टिक शौक ड्रग ऑफ चॉइस इज़ ऑप्शन है आइसोप्रिनालिन डोपामिन कोरामिन एड्रीनलिन तो एनाफाइलेक्टिक शौक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रीनलिन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है पाउडर यूज टू यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द नोस्ट्रिल इज कोल्ड ऑप्शनस हैं डस्टिंग पाउडर इफरबसेंट इंसफलेशन एक्सप्लोजिव तो ये क्या होते हैं इंसफ्लेशनस होते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज वन विच ऑप्शनस हैं इसके कोज क्रनुलेशन डज नॉट कोज क्रिन ड नॉट कोज हिमोलिसिस हैज सेम सोल्ट कम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा तो आइसोटोनिक का मतलब होता है इसका सेम कम्पोजिशन होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका नेक्स्ट है सपोज सपोजिट्रीज आर यूज टू प्रोड्यूस ऑप्शन है लोकल एक्शन सिस्टमिक एक्शन मैकेनिकल एक्शन ऑल ऑफ दर यूज टू प्रोड्यूस इसका तीनों ही हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा लोकल सिस्टमिक एंड मैकेनिकल नेक्स्ट है पेप्सिन इज़ ऑप्शन है प्रोटोलिटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तो पेप्सिन क्या होता है प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ थीफाइलिन एंड इथाइलिन डाई इज ऑप्शन है मिथायजेंथिन अमीनोफाइलिन इटोफाइलिन नन ऑफ दीज तो क्या होता है अमीनोफाइलिन होता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है इटरोसाइकिलिक रिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोफ्यूराजोन इज ऑक्साजोल फ्यूरान आइसो ओक्साजोल पायराजोल तो कौन सी होती है नाइट्रोफ्यूराजोल में फ्यूरान रिंग होती है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट right. नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिज ऑप्शनस है पैरासिटामोल लासिक्स डायोडोक्विन या फाइसोस्टिगमिन तो अमीबियासिस में ये ऑप्शन सी हो जाएगा डायोडोक्विन यूज़ करते हैं नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज एंटी कन्वर्सेंट इज ऑप्शनस है प्रीमिडिन एमिथोकेन कोकेन निकेथेमाइड तो ये पेरीमिडीन जो है ये यूज़ करते हैं ठीक है टू डी ऑक्सी होता है ये पेरीमिडीन नेक्स्ट है ए ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट रजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इज़ हैं है टेट्रासाइक्लिन ऑक्सी टेट्रासाइलिन नन ऑफ दीज तो इसका हो जाएगा माइनोसाइक्लिन नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिस्ड एज कैलकटा लखनऊ कसोली या इजत नगर तो ये कहाँ पर है कैलकटा ये ऑप्शन ए रिट हो जाएगा नेक्स्ट है जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री डे बुक बेसिक बुक ऑल ऑफ दीज तो ये होती है डी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है चूज द फॉलोइंग ड्रग विच अंडर गो मार्ग्ड हाइड्रोलिसिस इन द गेस्ट्रो इंटस्टनल ट्रैक्ट ठीक है तो इसके ऑप्शनस है एस्प्रिन हाइड्रोकोर्टिसोन पेनिसिलिन जी या क्रोसिन तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है ठीक है ये एसिड लेबाइल होती है नेक्स्ट है वॉलोइंग इज यूज टू करटेल क्रोनिक यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन तो क्रोनिक यूरिक एसिड के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं एलोप्यूरिनोल ट्राइमिथोप्रीम मैथीनामिन फ्यूरोसिमाइड तो क्रोनिक के लिए हम ये एलोप्यूरिनोल यूज़ करेंगे ठीक है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा तो इस वीडियो में हमने ये हंड्रेड क्वेश्चन देख लिए ठीक है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हंड्रेड में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ठीक है थीके? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना ओके थैंक यू